सीधा कैच छोड़ दिया इसने। चलो अच्छा है, देखते हैं इस कैच छूटने से क्या फ़ायदा होगा। देखना ये होगा कि पांचवा छक्का लग सकता है कि नहीं। और जी हाँ, पाँच पे पाँच छक्के। हमें टारगेट मिला है 7 ओवरों में 86 का, तो चेक करते हैं क्या बनता है। ओपनिंग स्टार्ट हो गई है, थर्ड मैन की तरफ खेला 2 रन के लिए। काफ़ी मुश्किल विकेट लग रही है, बैट्समैन इस टाइम प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रहे। टीमर आया बॉलर की तरफ से, आखिरकार मैच का पहला छक्का लग गया मान की जानिब से। मिडॉन की तरफ खेला लेकिन मिस टाइम हुई बॉल। बारकर रिजवान ने शॉट खेला और मिस फील्ड की वजह से 1 रन मिल पाएगा। ख्याल है स्कोर का ना थोड़ा सा मसला आ गया, ये इससे ज़रा आपस में डिस्कशन हो रही है अंपायर की भी और बैट्समैन की भी। दोनों में से किसी एक को रिस्क लेना पड़ेगा, स्कोर तेज़ करना पड़ेगा। वो 26 स्कोर है यार, और अभी ओपनर चल रहे हैं। 4 ओवरों में मेरा ख्याल है को 50 प्लस रहता है। लेट्स सी क्या बनता है। तो का अच्छा आगाज हुआ है, मिड ऑन की तरफ खेला फुल टॉस बॉल को और 6 रन। और फुल टॉस बॉल और एक और छक्का, उम्दा शॉट। मेरा ख्याल है इस ओवर का इंतजार था उस्मान और रिजवान को। सेट हो गई है, स्लो बॉल को बहुत अच्छा पिक किया और एक और छक्का। 4 in 4 बेहतरीन शॉट, छक्का। इतना ये होगा कि 5 पे 5 छक्के लगा सकते हैं कि नहीं। बेहतरीन शॉट की जानी फ्लैट छक्का और बॉलर इस टाइम बहुत परेशान, बॉलर को कुछ समझ नहीं आ रहा। करीब चेहरा एक बॉल बेचारा बीट करने में कामयाब हो गया और अभी भी गुरी डाल के जा रहा है। दफा रिजवान आगे निकल के डांस करता हुआ, बेहतरीन छक्का मिड ऑन की तरफ। 6 दिस टाइम ऑन मिड ऑन, बेहतरीन छक्का। अरे 2 ओवर में 45 स्कोर मार के इन दोनों ने गेम का नक्शा ही बदल दिया, बेहतरीन हो गया। दैट्स इट, बेहतरीन छक्का, पुल पे छक्का मार के द एंड ऑफ द गेम। अलहमदुलिल्लाह ये वाला मैच हम जीत गए, तो अब अगले मैच भी मिलेंगे।